हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुभव और आप लोग देख रहे हैं बुया गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ओपी होने वाला है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर गन चैलेंज। आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर गन के अलावा कोई भी गन और नहीं उठा सकते हैं, और जो भी मैं एंड तक हम लोग को वेक्टर गन ही फेंकना है। और स्टार्टिंग में हमें डबल वेक्टर गन मिल गया, तो इसे अब बनाते हैं डबल वेक्टर गन चैलेंज, कि अब हम लोग वेक्टर गन के अलावा और कोई गन नहीं ले सकते हैं और सारे किल वेक्टर गन ही जिकट में है। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ पे बंदा मिलता है। यहीं पे मिल गया बंदा, मुख्य तो दिखेगा मैंने तो वेक्टर से मारेगा। मैं तो बोला मैं वेक्टर चैलेंज करेगा, तो मेरे जितने भी बंदे मिलेगा मैं तो उसे वेक्टर ही से मारेगा। लेकिन उससे पहले मुझे एमओ ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वेक्टर मेरा वेक्टर निकाल देगा। तो इधर तो हमको लग रहा है कि कम से कम चार से पांच बंदे तो मिलने ही चाहिए कम से कम, लेकिन अभी तक तो एक ही बंदा मिला है। देखो एक बंदा वहाँ रहा, देखते हैं इसे रेस्पॉन्स करने। वेक्टर गन नहीं तो दौड़ने का मजा ही कुछ और है, कुछ ऐसा फीलिंग आता है। दो वेक्टर गन हाथ में लो उसके बाद दौड़ रहे थे, आओ आने वाला सामने वाला दुश्मन देख ही के डर जाएगा कि कौन आ रहा है, ये प्रो प्लेयर लग रहा है। वैसे हम लोग भी थोड़ा मोड़ा प्रो हैं, गलत भी नहीं बोलेगा वो, ऐसे बोला भी तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग को वेक्टर गन कैसा लगा। इसकी फायरिंग रेट MP40 से ज़्यादा है, अगर दो आपके पास वेक्टर गन है तो साथ में बहुत ज़्यादा ही ओपी गन है क्लोज रेंज के लिए, इसीलिए मैंने ये चैलेंज करने का सोचा। अब MP वेक्टर गन में बस एक ही दिक्कत है कि इसका भी डैमेज MP40 की तरह बहुत कम ही है, लेकिन हमको लगता है वो सब स्किन से सुधर जाएगा। और इधर ग्लू गन लगा मतलब कोई बंदा है, चलिए पहले इन्हें फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बात किया जाएगा और वेक्टर गन के बारे में। इधर गया और ये गया, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि और कोई बंदा है यहाँ पे। हेलो, वो लग रहा है कि एक बंदा और होना चाहिए, किसी से जरूर फाइट करना चाहिए। भैया देखो वहाँ छुपा हुआ है, तो ये भी गया। तो मैं बोल रहा था कि वेक्टर गन क्लोज रेंज के लिए बहुत ही अच्छा है, इसकी एबिलिटी भी आप दो गन एक साथ यूज कर सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी उनको लग रहा है कि एमओ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 44 ही एमओ बचा, इतने में तो नहीं काम चलेगा। चलिए एमओ ढूंढ लेते हैं। आप लोग में से बताइए कि कितने लोग वेक्टर गन यूज करते हैं। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये वेक्टर गन, और देखते देखते अभी तक हमारे 4 किल हो चुके हैं। इस चैलेंज में सबसे मेन बात यही है कि अब हम लोग को क्लोज रेंज ही में खेलना पड़ेगा जितने भी प्लेयर है। लॉन्ग रेंज में वेक्टर गन तो काम नहीं करेगा उतना, ये भी MP40 की तरह, लेकिन MP40 से ज़्यादा रेंज है इसकी, ये भी बात है। तो इधर तो मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा है, तब आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ऐसी चैलेंजिंग वीडियो और देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और घंटे को ऑल पे जरूर सेट करिएगा, घंटे को ऑल पे, ये बहुत ज़रूरी है। अरे मिल ही नहीं रहा है गोली कहीं, उनको लग रहा है किसी को मारी के गोली लेना पड़ेगा, ये गोली तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो मिल भी गया, कुत्ते भी छिपा दिए हैं क्या गोली? अरे कोई चक्के भी आ जा, गोली दे दे। हम मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं गोली से, गोली देने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूँ। यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई तो दिख जा, इधर भी कोई नहीं है, अड्डा हालत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वेक्टर गन आगे कंटिन्यू करना है, तो मुझे गोली तो चाहिए, 44 गोली है बस। चलिए ऊपर चल के देखते हैं कि कुछ बंदा मिलता है या नहीं, और इधर तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और गोली मिल गया, चलिए पीछे पे देखते हैं कि कोई गोली मिलता है या नहीं। जो कोई बंदा मिल जाए उसको मारी के गोली मिल जाए। तीन बंदे मारे, तीनों बंदों के पास कोई गोली नहीं था, एक के पास थोड़ा सा था बस। तो यहाँ पे हम लोग पिक पे आ चुके हैं, और पिक पे अभी तो अरे यहाँ पे मिल गया,
हाँ मिला गोली तो मिला, चलिए कम से कम 100 गोली तो हुए। मुझे तो लगा था वेक्टर गन, पता चला कि वेक्टर गन से ढिशुम ढिशुम करना पड़ा, वेक्टर गन को फैन की तरह यूज़ करना, ढिशुम ढिशुम करना पड़ेगा, इससे गोली नहीं मिलेगा वेक्टर गन चैलेंज करने के लिए। तो इधर कोई बंदा है पिक पे तो बंदे होने चाहिए, पिक पे तो हमेशा बंदे रहते हैं, तो पिक पे तो बंदे मिलने चाहिए, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है। ये तो दिख गया भाई, मेरे बंधु कहाँ हो तुम लोग, तुम लोग मिल जाओगे, मेरा कल्याण कर दो, मुझे कुछ किल दे दो भाई, वीडियो अपलोड करना है कुछ तो किल दे दो। हाँ एक बंदा मिल रहा, ये बंदा पर दुनिया ये मेरी आवाज़ सुनता है, इसके पास कौन सा गन है भाई, डायरेक्ट हेड पे मारता है ये, एकदम ओपी प्लेयर है। हम लोग भी थोड़ा मोड़ा प्रो है, वो डबल वेक्टर गन के साथ है, मैं नहीं छोड़ेगा ये एक के साथ, और MP40 के साथ मैंने से लड़ रहा था। अरे इसे तो हो गया कि MP40 को हरा दिया तुम्हारा डबल वेक्टर। वैसे MP40 के फैंस गुस्सा ना करना, MP40 बहुत बढ़िया गन है, और डबल वेक्टर के सामने फायरिंग रेट तो उसकी कम पड़ेगी, क्योंकि दो गन है यहाँ पर। ये हमको लग रहा है शॉर्ट रेंज में मेरा 30 टॉप 3 फेवरेट गन्स में से एक हो जाएगा। आप लोग तो वैसे ही जानते हैं कि मेरा दो गोली वाला शॉर्ट गन मेरा फेवरेट गन है, उसके बाद MP40, और उसके साथ ही लग रहा है MP40 के साथ मुझे ये वेक्टर गन भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे और कोई बंदा है, 5 ही किल हुए हैं अभी तक, आ जा कोई तो बंदा, आ जा कोई बंदा, दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, बस परेशान किए जा रहे हैं सारे बंदे, छुप छुप के खेल रहे हैं, मुझे किल नहीं दे रहे हैं, बहुत बदमाश हो गए हैं सारे के सारे बंदे। किल दे देंगे तो पता नहीं क्या किल जाएगा इनको, छुप छुप के खेलते रहते हैं, आओ 1v1 करते हैं, मैं बोलता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, मुझे परेशान करके रख दिया है। वैसे अभी कुछ स्नाइपर से मुझे मार देते हो, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोल देगा वो मार दिया तो कालम वाला हो जाएगा, सब गंदी बात हो जाएगी। चलिए हम लोग कुछ नॉक पे आ चुके हैं, यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ मिली है, यहाँ पे कहाँ है बंदा, हेलो बंदे, तेरा बंदा, बंदा कहाँ है, बंदा अंदर आ जा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, प्लीज अंदर आ जा। अभी हम लोग सेफ जोन में भी नहीं है, यहाँ से मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ भी कहो, सबसे बढ़िया बात है दो वेक्टर लेके जो भागता है तो जब लगता है, तो चलो इसके यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, पीछे ही ना आना तो इसको इधर ही है, तो यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं उसका। जोन आ रहा है, जोन के साथ तो उसको भी आना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला मैं उसको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे खड़ा है, फिर पता चला कि बाद में मुझे सरप्राइज ना दे दे वो। वैसे कमेंट में जरूर बताइए कि वेक्टर गन आपको कैसा लगा, और आपका वन ऑफ द फेवरेट गन में से ये है या नहीं अभी। चलिए तब तक कुछ इमोजी ही मारते हैं, तब तक ये यार बंदा आ नहीं रहा है, जोन तो आया बंदा नहीं आया अभी तक, तो ये बंदा डीट बंदा है यार, ये सुन नहीं रहा है भाई, कहाँ गया ये बंदा, जादूगर उदूगर है क्या, हैकर है, गायब हो गया अचानक, हद बंदा है ये यार। चलिए छोड़ो वो बंदे को, आगे ही चलते हैं। तो कोई बंदा, बस डर है कि बंदा पीछे से सरप्राइज ना दे दे हम लोग को। चलिए हम लोग अब फैक्ट्री से क्लॉक टावर की तरफ चलते हैं, क्योंकि लग रहा है कि वहीं पे फाइनल जोन बनेगा, लेकिन उससे पहले एमओ ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखो ये आया बंदा, इसे ख़त्म किया जाए, देख रहे हैं फायरिंग है, ताकि इसकी गोली से 10 का ही पड़े तो बंदे को ख़त्म होने के लिए 2 सेकेंड भी ज़्यादा है दो वेक्टर की फायरिंग रेट से, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं।
उसकी हाइडिंग रेट बहुत ही गजब है। और मुझे एमओ की सख्त जरूरत है, पूरा गेम में मैं बस एमओ ही ढूंढते रहा, और एमओ एमओ मेरा एमओ फेमो कर दिया है। और ये चेमो टेमो ना कर दे तो मेरा लेमो ठेमो हो जाएगा। एमओ मिल गया, पैन मारने से एमओ नहीं मिलता है रे, मैं तुम्हें बोला पैन मारने के लिए। चलिए अभी टॉप टावर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे एमओ मिल गया सर, क्योंकि फैक्ट्री में तो मिलने का सवाल ही नहीं है, यहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है जल्दी। सामने वाले नहीं बोला नहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, ये एमओ दे देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो वहाँ पे बन रहा है नहीं, उसी के आसपास बनेगा। चलिए फैक्ट्री की तरफ चल, फैक्ट्री बोल रहा हूँ मैं, क्लॉक टावर की तरफ चलते हैं। क्लॉक टावर में हम लोग घुसते हुए चलते हुए टिकी टिकी करते हुए यहाँ पे बंदे मिल जाए तो और मजा आ जाए। बंदे एमओ कुछ तो मिल जाए, हाँ एमओ तो मिला, ये भी नंबर एमओ है, कम ही है। जैसे फाइटिंग रेट इतना है कि एमओ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फाइटिंग रेट वाली गन की यही एक डिसएडवांटेज है, इनकी फाइटिंग रेट ज़्यादा रहती है। वाह, ये ड्रॉप में भी कुछ एमओ नहीं है। तो चलिए यहाँ से क्लॉक टावर पहले घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर 5 मिनट रुकते हैं और उसके बाद इधर चलते हैं मेन जोन की तरफ, क्योंकि बंदे तो हमारे अलावा बचे हैं 3 और यहाँ पे हमें मिल चुका है एमओ, और टोटल हो चुके हैं 120 एमओ, क्योंकि एमओ ही एमओ है। एमओ में खोजते खोजते पागल हो गया, इतना एमओ में कभी नहीं खोजा, मुझे हमेशा एमओ मिल जाता था लेकिन ये एमओ मुझे परेशान कर दिया, बस एमओ एमओ कर दिया। ये हो गया मेरा फीतिया, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए मैं एमओ एमओ करके रहा और फिर से एमओ ही एमओ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि कोई बंदा मुझे मिलता है या नहीं, मेरे 7 किल होते हैं या 8 किल, मुझे एमओ तो मिल जाए तो और मज़ा आ जाए, लेकिन एमओ मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। 120 एमओ है और 3 बंदे मतलब 2 बंदे मेरे अलावा, और तो ज़्यादा एमओ वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पे मुझे और एमओ मिल गया है, तो मैं यहाँ से एमओ ले लेगा और उसके बाद फर्दर यहीं पे इंतजार करेगा। ओ मैं फिर से बोलेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का ऑल पे सेट करें। मैं इसके बाद ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को ऑल पे सेट करें, लेकिन कर दीजिएगा इसे थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिले। ये वेक्टर गन यहाँ पे भी है, तो जो 3 वेक्टर गन चलाने का रहता तो एक हाथ में 2 वेक्टर गन एक हाथ में 1, तो सोचो आगे वाली बंदी में क्या होता है। तो जब फिर जोन बन रहा है हम लोग यहीं पर थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग हवा बोलेंगे, क्योंकि पता चला कि हम लोग बाहर निकले और पीछे से बंदा आके मार दिया, तो कभी कभी सब्र ही करके हमें समझदारी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्र, करेंगे सब्र, ये भी हो गया चूती आप, क्योंकि मेरे पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं सब्र 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 बोलते जा रहा है और इंतजार करते 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 जा रहा है। जैसे ही जोन बनेगा या जोन बनने वाला होगा तब हम लोग चलेंगे वहाँ पे रिवर के पास, उतर उतर के पीछे बैठ जाएंगे। तो रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ कूजेस, हम लोग खोजते रहे एमओ, गेम का आधा टाइम निकला एमओ खोजने में और मुझे बंदा नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा था मैं यहाँ रुकूंगा, क्लॉक टावर की तरफ से कोई बंदा आएगा और मैं उसे ढाकी टिकी करेगा। तो चलिए अब रिवर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरे अलावा एक ही बंदा बचा है और वो बंदा मुझे दिख नहीं रहा। देखो दिखो, ये हुआ बात ना, वही सर लॉन्ग रेंज की गन भी है, वुड पैकर जैसी है, एसपीएस जैसी है, ड्रैगनॉ जैसी, तो इसके लिए मुझे शॉर्ट रेंज में जाना पड़ेगा और ये बंदा और मेरा काम आसान कर रहा है शॉर्ट रेंज में आकर, और इससे लग रहा है कि मैं डिकॉल गिरने से डर जाएगा, ये महाराज जी को लग रहा है। इसलिए भी नहीं दिखाया जाए, डबल वेक्टर का कमाल, डबल वेक्टर धमाकेदार शानदार, और यहाँ पे 7 किल हो चुके हैं, किल तो ज़्यादा नहीं है
लेकिन यहाँ पे हमें मिल चुका है बुया। यस, क्या मिल चुका है बुया? हम लोग ने डबल वेक्टर या वेक्टर चैलेंज को कंप्लीट किया।